हेलो एवरीवन, सो गाइस सबको गुड मॉर्निंग। तो वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरे हस्बैंड आ गए थे घर में जल्दी, और वो 11 बजे आ गए थे, तो इसलिए हम भी जल्दी उठ गए हैं। तो हमने कहा चले अपने व्यूवर से भी गुड मॉर्निंग कह दें, और आप सब भी कहें गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। साइश भी जल्दी उठ गई है, तो हमद का शुक्र है अब बुखार कम है, लेकिन सुबह था और इसीलिए हमद को सुबह नहीं स्कूल, ये भी नहीं गई फिर। तो फिर जाहिर है एक बच्चा नहीं जाएगा तो फिर ये दूसरा भी नहीं जाएगा। तो खैर अभी हम लोग नाश्ता करने लगे थे, तो नाश्ते में हम लोगों ने मंगवाई है हलवा पूड़ी और नान, और रात को हमने बनाए थे वाइट चने। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मैं अभी किचन में सारी चीज़ें डाल के आई हूँ। मैंने कहा चले अपने व्यूअर से भी थोड़ा सा शेयर किया जाए सुबह का नाश्ता। तो गाइस ये रही मेरी हलवा पूड़ी और हलवा, ये है चने हलवा पूड़ी के, और ये हैं हमारे घर के चने बने हुए जो कि मैंने हनी के लिए गरम किए हैं, क्योंकि हनी ने मंगवाया है अपने लिए नान, और हम खाएंगे हलवा पूड़ी। और हनी कह रहे थे मैंने नहीं खानी, तो हनी इसीलिए अपने लिए नान ले आए। तो चलो फिर अभी नाश्ते के टेबल पे मिलते हैं। गाइस हलवा पूड़ी मैं खाने लगी हूँ, तो आज है जिसने नाश्ता करना है, आज हम जल्दी उठ गए हैं तो खानी है, तो ये ले खा ले खा ले खा ले। नहीं आप भी सुला मारो। नहीं मेरे नान है, मैं हलवा पूरी नहीं खा रहा, मेरे नान चने हैं, चने हमने घर में बनाए थे और नान भाई से। चलो नाश्ते के बाद मिलते हैं। तो गाइस नाश्ता कर लिया, देखिए हम तो की मेडिसिन अब हम को देने लगी हूँ अलग से कर रही हूँ। एक मिनट में आपको अलग अलग करके देती हूँ ना, फिर वो एक इसमें डाल देते ना वापस। तो इसने ना पूड़ियाँ नहीं बनवाई, ये कहता है अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो ये पूरे मेडिसिन खा लेता है। मैं मेडिसिन खा रहा था, पूड़ियाँ से मुझे ज़्यादा। ये लो ये देखना गाइस, ये खा जाएगा, इतना दलेर मेरा बेटा। ये देखिए इतनी इतनी बड़ी गोली है, इसने खा जानी है। बस बंद है गई है तो नहीं। चले भी अंदर है तो देख ले, मेडिसिन पूरी खा ली है, बहादुर बच्चा है मेरा, ठीक है ना। फ्रेंड्स तो देखे मैं अब ऊपर आई हूँ, हनी काम पे चले गए हैं, तो अभी मैं चाय पी के आई थी, उस टाइम मैंने चाय नहीं पी थी नाश्ते का टाइम, तो अब मैंने कहा चलो चाय का टाइम हो गया तो पी लेती हूँ। तब हम सो गए थे थोड़ी देर, हनी सो गया, सारे बच्चे भी सो गए, हम भी सो गए। तो अब मैं ऊपर आई, ऊपर इतनी अच्छी हवा चल रही है, और मैं कपड़े लेने आई थी, और रात के कपड़े मैंने धोए थे और मैंने चारपाई पे रख दिए थे। अब मैंने कहा शायद बारिश ना आ जाए, तो इसलिए मैं ऊपर लेने आई हूँ। तो इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना ऊपर, तो मैं बैठ ही गई हूँ मंजी के ऊपर, तो मैंने कहा चले थोड़ी सी गपशप कर लेते अपने व्यूवर्स के साथ भी, और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, शुक्र है खुदा का। मैं अभी आपको बादल दिखाती हूँ, बड़े मज़े के लग रहे हैं। ये देखिए जी, ये है सारे बादल, कितने प्यारे लग रहे हैं ना, बारिश भी आए ना तो फिर मज़ा है। इस साल तो हम लोग बारिश में नहाए नहीं, पिछले साल हम लोग बहुत ज़्यादा नहाए थे, हनी मैं सारे। इस दफ़ा बच्चों को भी मैंने नहाने नहीं दिया। हनी अब आ भी जाओ, इतनी देर हो गई अकेली बैठ बैठ के, मैं बोर हो गई हूँ, इतनी मज़े की हवा चल रही है जी। स्ताइश स्ताइश फुल फुल अपनी बाजी के छत पे पड़ रहे हैं, ऊपर जब लाइट जाती है ना तो बाजी छत पे ले आती है। तो ये देखिए हाथ हला रही है, सही क्लियर से नज़र नहीं आ रही हमको, तो खैर बुखार था वो गया नहीं है, और साइश गई हुई है और बस सामने बैठी हुई है, शायद आपको नज़र आती है इस बच्चे के पीछे ही है। ये देखिए हैंडल आ रही है, वाइज हनी आ चुके हैं और हम रेडी शेडी हो गए आपके सामने बैठ चुके हैं हम, ठीक है। तो साथ साथ मैं हांडी वगैरह भी बना रही हूँ, तो आज हनी लेके आए हैं सादा चिकन, और साथ में कह रहे थे नान कौरमा बनाएंगे, और मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल सिंपल चिकन बनाओ तो मतलब कि कभी कभी दिल भी नहीं ना करता, तो वो शामी भी हाँ एक वो वाली रख लो,
और शामी भी मैं साथ बनाने लगी हूँ, जिसका दिल करेगा शामी खाएगा और जिसका दिल करेगा कौरमा खाएगा, ठीक है। तो नान शामी कौरमा हो तो फिर तो ठीक है ना। तो चलें, फिलहाल दिन ही कुछ इस तरह के होते हैं कि कभी गर्मी कभी सर्दी, तो फिर इंसान का ना इरिटेशन हो जाती है, खाने को भी नहीं दिल करता। सुबह का भी अभी वो ही नाश्ता किया हुआ, उसके बाद हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया और हाँ बस चाय पी थी उसके बाद मैंने, है ना, चाय पी थी। तो अभी वो लेने गए हैं, अभी थोड़ा सा सामान घर कराया गया था वो लेने गए हैं अब। तो मैं चिकन बना रही थी साथ साथ, मैंने कहा चले अपने व्यूवर से भी बात करते हैं। तो चिकन में भी मैं पानी डाल के आई हूँ और मैंने कहा मसाला अच्छे तरीके से बन जाएगा उसके बाद। मैंने चिकन डाल दिया, अब ना उसको फ्राई करूँगी साथ साथ, जितनी देर तक इसको उतनी देर तक फ्राई करूँगी जब तक कि वो प्याज ना अच्छे तरीके से मैश ना हो जाए इसके बीच में। देखिए जी, यहाँ पे हमारा मसाला हो गया रेडी। अभी इसमें हम पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा, फिर मज़े का तैयार हो जाएगा। ये देखें, ये हनी का काम था और हनी कर रहे हैं, शामी टिक्कियाँ बना रहे हैं क्योंकि शामी टिक्कियों का काम लास्ट काम था। तो ये मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं, इसका मिक्सचर मैं तैयार करती हूँ और ये तैयार इस तरह की खुद करते हैं, ठीक है। तो आपको तो पता है मेरे हस्बैंड सैंडविच भी बहुत अच्छे बनाते हैं। तो हेलो हस्बैंड जी, एक ही रह गई है बस। तो चलें फिर गाइस, हमें दीजिए आज इजाज़त। आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बहुत सारा प्यार देते हो आप, बहुत खुशी होती है, और ऐसे ही हमें ना दुआओं में भी याद रखिएगा और अपनों में रहिए और अपनों में खुश रहिए और हमें दुआओं में याद रखिएगा और बहुत सारा प्यार। बाय बाय कर दो।